जी जय श्री राम सबको। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने देखो आज थोड़ा सा काम फैला लिया है पेंट का, ठीक है। तो अब वही है, घर के भी काम करो, बाहर के भी काम करो, काम 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 काम। भाई मैं तो हार ही पड़ी हूँ काम के भैया चक्करों इधर में। टूट क्या क्या दोबारा बोल गया भैया? भैया, मैं मैं तो तो टूट टूट गया गया। बिना कुछ काम करे। भैया ये तो टूट गया। हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी, जैसे कि पेंट वाले भैया लगे हुए हैं। अब क्या है कि जो मेरे को पेंट कराना है ना यहाँ पे रूम में, भैया कह रहे हैं वो कंप्यूटराइज्ड कलर बनेगा। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट पेंट वाले भैया की दुकान पे पेंट लेने के लिए। तो चलो आपको दिखाते हैं फिर मैंने कौन सा कलर लिया। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपने पेंट वाले भैया की शॉप पर पेंट लेने के लिए। फिर से देख सकते हो आप, आकर्ष ने स्कूटी को पूरा हेलीकॉप्टर बना रखा है। इसका बस नहीं चलते, मुझे हवा में उड़ा के ले जाए। तो आ गई है अब हमारे इशाबाद की बेस्ट मार्केट, जहाँ हर चीज़ रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो बस अब हमारे पेंट वाले भैया की दुकान आ चुकी है और अब देखते हैं अब हम कौन सा कलर कराएंगे, अच्छा सा सुंदर सा बढ़िया सा। यार ये ना मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है सोचना कलर कौन सा कराएं, खाने में क्या बनाएं, दिन में क्या बनाएं, रात में क्या बनाएं। टेंशन ही टेंशन है। सुबह का खा लो तो दिन की टेंशन, दिन में खा लो तो रात की टेंशन। अब हमें कलर कराना है तो हमारे 4 दिन से यही टेंशन चल रही है कि कौन सा कलर कराएं, कौन सा कलर कराएं, कौन सा कलर कराएं। तो देखते हैं फाइनली अब कौन सा कलर होगा हमारे यहाँ पर। तो ये अब हम आ गए हैं भैया की शॉप पर, यहाँ से अब हम पेंट लेंगे और देखते हैं कौन सा पेंट लेंगे सुंदर सा। इसमें ये जो भैया हमें अगर डार्क चाहिए होगा तो डार्क कलर आप बना कर दे दोगे? यहीं से बनाना पड़ेगा। हाँ गाइस, अब हमने पेंट भी ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं कलर लेने आई थी, एक्चुअली में जो मुझे कलर करवाना है ना वो कंप्यूटराइज बनता है इनके यहाँ पर। तो अब हमने वो पेंट भी ले लिया है, अब हम चलते हैं फिर से पेट्रोल डलवाने। हम बनने का जूस पीने आए हैं। बनने का जूस पीने आए हैं। जूस तो क्या आप पसंद करते हो बनने का जूस पीना? नहीं मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ना मैं अनार का जूस पीती हूँ, मौसमी का जूस पीती हूँ ना, मेरे को कैसे हो जाती है, इसलिए मुझे गन्ने का जूस ही अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है गन्ने का जूस। हमने पता है पेंट लिया है, बहुत सुंदर कलर है पेंट तो, बहुत प्यारा सा। जब हो जाएगा ना तब हम आपको दिखाएंगे, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस पावर ने ना अंदर की वीडियो भी नहीं शूट की, पेंट बनाई है मैंने। ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग करो और सब जगह कैमरा बंद रखता है, सब जगह। अच्छा, मैं ही खोलता हूँ कैमरा, मम्मी भी कहते मुझे। वाइरी वाइरी बिजी यार, तो ना मैं टूट गई सच में। सही बात है। ये मैं हूँ, ये हमारी स्कूटी है, हमारी घूमी हो रही है। एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत है। तो गाइस महंगाई देख लो कितनी हो रही है, इस महंगाई ने हमें बर्बाद कर रखा है। देखो ये 20 वाला गिलास है और ये 10 वाला गिलास है। नोइस जग में रखा हुआ था और मैंने भैया को बोला भैया नया निकाल के दे दो, कहते ये तो अभी निकाला है। मैंने कहा चलो दिखाना जरा ग्लास में डाल के। भाई साहब वो जूस इतना काला था, इतना काला था। मैंने कहा भैया धर लो ये तो तुम्हें पी लेना, हम तो आगे से कहीं और जाके पी लेंगे, दुकान एक्सपोज। लेकिन
आज भैया ने अच्छा बनाया है जूस, आज मजा आया जूस। गाइस अब हम जूस पी के भी निकल चुके हैं, अब हम चलते हैं पेट्रोल पंप की ओर, क्योंकि भैया ये पेट्रोल तो ऐसी चीज है ना, हर तीसरे दिन खत्म हो जाता है, हर तीसरे दिन चाहे टंकी फुल करा लो। अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अब बेटा उधर लगाने देना, तो चलो पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल पिलाते हैं इसको, इसकी आज टंकी ऊपर तक फुल करा दूंगी, आज इसकी टंकी ऊपर तक बिल्कुल लो है लो। तो गाइस अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया है, अब चलते हैं घर। चलो मम्मी चला रही है आज, स्कूटी गिराना थे मुझे। तो गाइस अब आकर्ष का मन हुआ है पनीर खाने का, तो अब वो अंदर गया है पनीर लेने, चलो हम भी चलते हैं दिखाते हैं आपको। कौन सा लिया है, पैसे लो वापसी। क्या हुआ, क्या हुआ, सही तो है जीरे वाले ही तो है, यही तो लाते पापा। क्या ये पनीर है, पनीर बताओ फिर अपने गाइस को। तो गाइस हमने ले लिया है पनीर, अब चलते हैं घर, पुनीत सुपरस्टार की सस्ती कॉफी। जैसे कि पनीर तो ले ही लिया है, और पनीर को देख के मेरे को भूख लग गई, क्योंकि मेरे को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा घर तक का इंतज़ार कौन करेगा, रस्ते में खा लेती हूँ पहले एक दो। बहुत टेस्टी होता है यार ये पनीर सच में ना, झील पे तनेजा डेयरी वाले की शॉप है, और इसका पनीर लाजवाब होता है सीरियसली। तो इसकी दुकान पे रख रोक लिया, मेरे को शैम्पू भी लेना है। मम्मी अब यहाँ से शैम्पू ले रही हैं, तो मम्मी कौन सा शैम्पू ले रहे हो, कौन सा शैम्पू ले रही हूँ क्यों बताऊँ, बेटा हूँ आपका हम नहीं बताएंगे, और अब की बार तो शैम्पू की बॉटल ना इसे छुपा के रखूंगी, ये चार दिन में खत्म कर देते शैम्पू। बस साले खाने में क्या बना रहा हूँ, खाने में खाना बना रही हूँ, खाने में क्या बना रहा हूँ, खाने में खाना क्या बना, खाने में खाना ही बनता है भाई, खाने में खाना क्यों बना रहा हूँ, खाने में क्या बना रहा हूँ, खाने में आज मैं बनाया है देखो, राजमा चावल, ये भी दिखाती हूँ अभी, सीटी है भाई कुकर, मेरे को देख के पता नहीं क्यों सीटियाँ मारता रहता है जब देखो। अच्छा, और ये अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ राजमा के, आज बन रहा है घर में मेरा फेवरेट फूड राजमा चावल, मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, और पता राजमा चावल मुझे सिर्फ अपने हाथ का पसंद है, मुझे भी। किसके हाथ का पसंद है, तुझे अपने हाथ का पसंद है, अपने हाथ का, तो खुद बनाता है कभी राजमा चावल, इसका कहने का मतलब है इसको भी मेरे हाथ, मम्मी के हाथ का राजमा चावल, इसका टेस्ट ना खाने में ना मेरे जैसा होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब स्पाइसी में तो अपने पापा की तरह खाता है, जैसे इसके पापा को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ना, बट मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो अब मेरी तरह होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हमने ये 3 चम्मच मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाला, चिन्नक सी हल्दी डाली, नेक सी हल्दी डाली, और किचन हिंग मसाला डाला ये तो मिर्ची है लेकिन। अच्छा। तो देखो अब हमारी प्याज भून चुकी है, इसमें डालते हैं मसाला, ठीक है।
प्याज के अंदर ऐसे मसाला मिक्स करोगे ना तो अलग ही स्वाद आता है, पता है। अब इसमें हमने डालो थोड़ा सा पानी, ठीक है। दिस इज माय स्टाइल, ओके। मम्मी मैगी की भी रेसिपी बनाओ ना। मैगी की रेसिपी कौन देता है रे भाई, मैगी तो 5 मिनट में बन जाती है। 2 मिनट देखो, मैगी की रेसिपी चाहिए ना तो वो तो ना आकर्ष वर्मा देगा, क्योंकि आकर्ष वर्मा 5 मिनट की मैगी बनाने में 20 मिनट लगाता है, तो कुछ स्पेशल बनाता होगा। और भाई साहब उसकी मैगी को आप देखोगे ना, मतलब बंदे की देखते ही हालत। मैं असली की मैगी बनाता हूँ, मैगी वालों ने ना गलत नाम रख दिया। मतलब 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जो लगाते हैं मैगी बनाने, 2 मिनट में लड़कियां नहीं तैयार होती, वो मैगी है, मैगा हो जाता है, इसलिए मैगा रखना चाहिए था। सही बात है, मैगी 2 मिनट में बनती है, कभी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी, बचपन से आज तक बनाती आ रही हूँ, कभी 2 मिनट में मैगी आज तक बनी ही नहीं है। ये सब खुद्दू बनाने के खेल हैं, सब पागल। मैगी के ओनर ने उल्टू बना दिया है ना। और अगर आपको मैगी की रेसिपी चाहिए और वो रेसिपी मेरे से बोलना आप, ठीक है, मेरे चैनल पे जाओ, कमेंट करो, प्रमोशन करने का बढ़िया तरीका है। नहीं, कमेंट आप मेरे ब्लॉग पे कर सकते हो अगर आकर्ष की मैगी की रेसिपी चाहिए तो। और वाकई यार 5 मिनट मैगी के लिए 20 मिनट लगाते हैं, ठीक है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है और इसकी मैगी देखने लायक होती है। तो अब हम मिलते हैं खाना बनाने के बाद और आपको दिखाते हैं राजमा चावल की शक्ल कैसी कैसा बनाए। ओके, मेरा खाना रेडी है बिल्कुल। और राजमा की शक्ल तो भाई साहब इतनी मस्त लग रही है ना, देखने में इतनी करंटी आई लग रही है ना, खा के बताते हो कैसा बनाए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, खा के तो बता दो। मेरा व्लॉग देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे आने वाले व्लॉग्स के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आपको एक बार खा के भी बता दूँ कैसा बनाए, अभी तो मैं केवल देख कर ही बता रही हूँ। ये चीज ना, ये खाना ना मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, मेरे को रोज दे दो राजमा चावल, मुझे बहुत पसंद है। बाकी गाइस जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, सब अपने घर में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लव यू ऑल।